शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम वाला है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। माँ, 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 जल्दी से नाश्ता दे दे, देर हो रही है। तेरा नाश्ता तो मैंने टेबल पर लगा दिया है, तू बैठकर नाश्ता कर, मैं सलमा के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा माँ, जा। बुरी बात है सलमा, तुम्हारा नाश्ता ये रखा हुआ है, भाई के हिस्से का क्यों खा रही हो? भैया से छीनकर खाने का मजा ही कुछ और है। अब मैं अपने प्यारे भैया को अपने नाश्ते में से खिलाऊंगी। ओए अल्लाह, दांतों से क्यों काटते हो भैया? तुम दोनों का बचपना अभी तक नहीं गया। माँ, इसका बचपना उस दिन जाएगा जिस दिन ये खूबसूरत बलार डोली में बैठ कर ससुराल जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, पहले भैया की शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी, फिर मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर ढोलकी बजाऊंगी, गाने गाऊंगी, नाचूंगी और सबको नचाऊंगी, फिर मेरा भैया सेहरा बांधकर घोड़ी पर बैठेगा और फिर मैं कौन सा गाना गाऊंगी? हाँ, वीर मेरा कोड़ी चढ़ेया, कोड़ी चढ़ेया, निसैयों कोड़ी चढ़ेया। क्यों माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, तुमने ठीक कहा बेटी, मगर मेरे बेटे की सोच भी बहुत अच्छी है। ये दुनिया की रस्म भी है, रिवाज भी है और हमारे नबी पाक की सुन्नत भी। बेटियां दुल्हन बनकर जाती हैं तो बहुएं बनकर आती भी हैं। पर माँ मेरी बात गौर से सुन लो, पहले भैया की शादी होगी फिर मेरी शादी होगी। क्यों मुझे बसा रही? होगा वही जो माँ कहेगी, समझी? चल किताबें उठा अपनी, चल। माँ ये देखो। ना ना, पहले नाश्ता खत्म करो। माँ मैं ये देख रास्ते में कर लूंगा। कर लेना। हाँ हाँ हाँ, चल चल, तुझे कॉलेज छोड़ू। खुदा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। भैया आज तुम पीछे बैठोगे और रिक्शे मैं चलाऊंगी। अरे पागल हो गई है चुड़ैल कहेगी, चल पीछे बैठ, चल। डांटे क्यों? अरे बैठ। सलाम खाला जी, सलाम। जीते रहो बेटा। ये आप सुबह सुबह कहाँ जा रही? अस्पताल जा रही हूँ, ये बीमारी भी एक रोग बन गई है। खाला जी आप बैठिए, मैं आपको अस्पताल बता देता हूँ, बैठिए बैठिए। आए खाला जान, आजे आजे आजे। अच्छा बेटा।
खाला जान। सलाम। चलो बैठो। अच्छा ए पीआई ऑफिस चलो। मैं टिकटें लेकर आता हूं। बहुत देर लगा दी सनी। देर मैंने नहीं, उस बेवकूफ लड़की ने लगाई है, सारे घर का जेवर और नकदी इकट्ठी करने में। मगर वो लड़की किधर? बाहर रिक्शे में बैठी है। मैं टिकटें खरीदने के बहाने से उसे चक्कर देकर वहीं बैठा आया। जल्दी चलने वाली बात करो, चलो। रक्षा ड्राइवर, क्या चाहते हो? तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मेरे रक्षे में बैठी हुई सवारी की जान माल और इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ये लो अपनी रिश्वत और भाग जाओ यहां से। रिश्वत? रिश्वत तो मैं आज तुम्हारे खून की लूंगा। हराम ज़ादा! ये तो था दूसरा, ये साला पहला हरामजादा किधर गया? आ गया ये। लो, अपने को ही मार दिया।
क्या कहा था मैंने? कुछ याद नहीं। कहां गए साले? अरे ये सिर्फ फैलाएगा जुलाएगा, करेगा कुछ नहीं, करेगा वो दूसरा हरामजादा। हाँ गया वो दूसरा हरामजादा, ये आ गया वो दूसरा हरामजादा। अरे भाई कुछ मारो ना। एक सेकंड इधर भाई, भाई पान तो खा ले, लड़ाई वड़ाई तो होती रहती। अरे आप नीचे लेटे, अभी उठिए ना, अभी उठिए ना। मेहरबानी। बड़ी मार पड़ गई आपको है, जरा कपड़े झाड़ लीजिए। थैंक यू। ये बैग किसका है? झूठ बोलता साला, बैग मेरा है। अच्छा ये बैग आपका है, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? भाईजान खून, खून मेरा, खून। क्या हुआ भाईजान? खून निकला है मेरा। सिर्फ नाक से ही निकला ना? हाँ हाँ। तो फिर खून ही की तो रिश्वत लेनी थी हमने, यही कहा था ना शुरू में आपसे, यही कहा था ना, तो फिर लेने दो ना। खून, खून। ओ क्या हुआ? सब खून निकला है। खून निकलाया? ओ सब आपने खून की रिश्वत तो ले ली, लेकिन लेकिन अब जान की रिश्वत मत लीजिएगा। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? हाँ जी। जरा इधर आइए। आगे साहब। इधर तो आइए, जरा लेफ्ट, जरा सा फेस ऊपर, थोड़ा राइट, थोड़ा सा और। अरे आप रेत पे लेटे यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, जरा इधर तो आइए, आइए आइए आइए। अरे आप भी आइए ना। हाँ ये आइए, आइए आप इधर आइए। अरे ये मामला तो सुलझाइए कि आखिर ये बैग है किसका, आपका तो नहीं? अरे साहब मेरा नहीं है सर। तो फिर आपका होगा? मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नहीं? भाई भाई खुदा की कसम ये बैग मेरा नहीं है साहब। तो फिर आपका होगा? मुझे मेरे बाप की कसम, मैंने कहा मेरा नहीं। कौन से बाप की कसम? सब बापों की कसम। आखिर तो ये बैग है किसका? अरे सब मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो बोलो, शाबाश बोलो बोलो। ये बैग उसका है। उसका? उसका किसका? उसका, उसका किसका? वो रिक्शे वाली का। वो रिक्शे वाली कौन? रिक्शे वाली कौन? मेरी बहन। हाँ ए भाई साहब नाक में उंगली मत मारिए, अगर इसकी बहन लगी तो फिर आपकी क्या लगी? अबे नाक फरवा लिया और क्या क्या फरवाएगा, बोल। मेरी भी बहन है। और इस सारे शहर की औरतें क्या लगी तुम्हारी? हमारी बहन है। हाँ तो सारी बहनों के भाइयों जरा इधर तो आइयो। कितनी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बैग है किसका, है किसका, अब आप बता रहे हैं कि आपका नहीं है, है? आपका ये बैग नहीं है? अरे तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से झूठ बोल रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? अंधेरे में जब कोई बेटी अपनी मर्जी से अपने घर के बाहर कदम रखती तो दिन के उजाले में उस घर से मां बाप की गैरत का जनाजा निकलता है। मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं भैया? शुक्रिया की जरूरत नहीं बहन, सिर्फ भाई की एक बात याद रखना, माँ बाप के घर की दहलीज बेटियों के लिए बहुत ऊंची दीवार होती है। आइंदा ये दहलीज उस दिन पार करना जिस दिन तुम्हारी टोली भाइयों के कांधों पर हो। जाओ बहन, ये लो।
हराम की कमाई से पलने वाली बिगड़ी हुई नस्ल ऐसी ही होती है नीशे, इसीलिए ये लफंगे सड़कों में बेमौत मरते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है सलमा, मगर इस हालत में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? रास्ते में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम फिक्र ना करो निशे, मेरा घर करीब ही है, मैं तुम्हारे कपड़े धोकर सुखाकर इस्त्री भी कर दूंगी। आओ मेरे साथ। आओ, ये है मेरा घर। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे कपड़ों को, लाओ किताबें मुझे दो। आओ इस तरफ। सलमा, वो लुच्चा लफंगा मुझे फिर कभी मिल गया ना तो उससे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। ओहो, तुम बाथरूम में जाकर अपने गंदे कपड़े उतारकर मुझे दे दो और जब नहाकर फारिक हो जाओगी उतनी देर में वॉशिंग मशीन में तुम्हारे कपड़े खुश्क हो जाएंगे, इस्त्री मैं खुद करूंगी। थैंक यू सलमा। जाओ। ना, माँ, 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 सलाम माँ। वालेकुम सलाम, बड़ी जल्दी घर आ गए। क्या ना माँ, नजदीक की सवारी मिल गई थी तो मैंने सोचा कि दोपहर का खाना तेरे हाथ से खाता जाऊँ। हाँ मैं लाती हूँ। आय हाय, तू थूक थूक कर घर को गंदा करता रहता है और तेरी बहन सारा दिन सफाई में लगी रहती है। हाँ वो क्या है ना माँ, वो कहते हैं ना कि वाले शाना आता जांदियां पावे कटिए पोरियां पोरियां। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। अच्छा माँ, तू खाने लगा, मैं जरा मुँह हाथ धोलूँ। अच्छा बेटा। बड़ी भूख लगी। प्यारी सहेली है और इसका नाम निशे है। लगता है तुम दोनों सहेलियों में बहुत प्यार है। बस यूं समझ ले माँ जी, एक रूह दो जिस्मों में समाई हुई है। खुदा तुम दोनों की दोस्ती सलामत रखे। मिस निशे, क्या आप उस लड़के को जानती हैं जिसने आपके साथ बदतमीजी की? भैया आप भी पढ़े लिखे होकर जाहिलों वाली बात करते हो। वो लड़का निशे पे कीचड़ फेंक कर भाग गया, होगा कोई लुच्चा लफंगा बदमाश।
अली अफजल नाम है मेरा। तुम जैसे मुजरिमों को ना जेल भेजता हूं ना एफआईआर काटता हूं, सजा मौके पर ही देता हूं। अगर आज के बाद कॉलेज की किसी बहन या बेटी पर कीचड़ गिराया तो याद रखना थाने ले जाकर मुर्गा बना दूंगा। सौदा लेके पैसे देते ही नहीं है, गल्ला खुल्ला नोट ले गया हवा का बुल्ला। इधर आओ ठुल्ला, यहां कौन आया था और गल्ले में से पैसे किसने चुराए हैं? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कौन आया था यहां? रानी आई थी, अपनी मुर्गी उठाकर ले गई। रानी ये लो अपना मुर्गा और ये लो मुर्गे का किराया। कुछ समझ में आया? समझ में तो आया, लेकिन मुर्गे का काम है किराया। वे मैं मुर्गे नो हलाल नहीं किता। चल पुट्टा का चल। चोरनी निकाल मेरे पैसे। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? वही पैसे जो तूने मेरे गल्ले से चुराए हैं। तौबा तौबा, काले आदमी सफेद झूठ मत बोलो, झूठ रिज़क को खा जाता है। ओ मेरा रिज़क तो तू खा गई है और ऊपर से झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ? तेरे सर की कसम, अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह करे तू मर जाए। ओ मैं क्यों मरूं? सियाने ठीक कह गए हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हें सच अगलवाने के लिए थाने लेके जाना पड़ेगा। चलो थाने। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। बैर के इस थाने में आए हो, मेरा पढ़ाया हुआ सबक याद रखोगे तो अपनी जेबें हमेशा आबाद रखोगे। तो सुनो, अलफ से ईमानदार, पे से बहादुर, पे से पुलिस। क्या बना? ईमानदार बहादुर पुलिस। शाबाश। ए से हवालात, छे से छित्रौल, मीम से शाबाश मिया मिठू शाबाश, मीम से मुकमुका और पैसे खीसे जुपा। मेरे प्यारे मिया मिठू, अगर तू इसी तरह अच्छी बातें करता रहा तो एक दिन एसपी बनके इस कुर्सी पे तू बैठेगा। हवालदार साहब, इस चोरनी ने मेरे गले से रकम चुराई है। जानता हूँ ये लड़की पुरानी वारदातन है। कितनी रकम चोरी हुई है तुम्हारे गल्ले से? गिनती नहीं की जनाब, इसने सारी रकम चुराकर गल्ले में सिर्फ एक अंडा रख दिया है। वो ही अंडा मौके का गुआ हुआ ना, तुम उस अंडे को साथ क्यों नहीं ले आए? खैर, अंडे की गुआई मैं बाद में लूंगा। ए लड़की, रकम कहाँ छुपा रखी है? मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया हवलदार जी, ये सफेद झूठ बोल रहा है। अगर कोई कहे कि मैंने किसी का दिल चुराया है, ये तो हो सकता है, भला मैं किसी की रकम क्यों चुराऊंगी? तौबा तौबा, कितनी चलाक है ये लड़की। हवालदार साहब, आप इसकी तलाशी ले, रकम अभी बरामद हो जाएगी। ए, मैं और आजाद हूँ, कोई मर्द मेरे बदन को छू नहीं सकता, ये मेरी तलाशी कैसे ले सकता है? ये क्या हो रहा है? सर, इस चोरनी ने इस दुकानदार की रकम चोरी करके खुफिया जेब में छुपा रखी है और जामा तलाशी देने से इनकार कर रही है। आप इसकी तलाशी लें।
हाँ, ये मेरी तलाशी ले सकता है। चल डीएसपी, अंदर कमरे में चल। पर ना, छोड़। देख रानी, मैं जानता हूं तू वारदात करने से बाज नहीं आएगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू चोरी के पैसे वापस कर दे, वरना वरना तू मेरी तलाशी लेगा। मुझे कोई एतराज नहीं, ले ली मेरी तलाशी। फजूल बातें ना कर, शराफत से चोरी की रकम मेरे हवाले कर। ये डीएसपी का हुक्म है या तेरी ख्वाहिश? पहले पैसे निकाल, फिर फैसला करना कि तूने डीएसपी का हुक्म माना है या मेरी ख्वाहिश पूरी की है। अरे तेरी ख्वाहिश पे तो अपना कलेजा निकाल कर तेरे कदमों में रख सकती हूँ। पैसा तो हाथ की मैल है जानी। हाय, ले लो पैसे। देख ले पैसे पूरे हैं ना? हाँ ठीक है। जुमा खान, जुमा खान। यस सर। ले लो और जाकर दुकानदार को पैसे दे दो, पूरे हैं। ओके सर। तेरी ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी, अब मेरी ख्वाहिश तू पूरी कर दे।
अब आपकी हालत नॉर्मल है और आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई पर्ची के मुताबिक मैं ये दवाइयाँ ले आई हूँ। ठीक है, वक्त पर पिला देना। अच्छा माँ जी, मुझे इजाज़त। कमाल है, डॉक्टर जाने से पहले फीस मांगते हैं और आप इजाजत मांग रहे हैं। अब ये रही आपकी फीस। थैंक यू। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। लेना माँ जी, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। नहीं बेटा, बुढ़ापे में इतना मीठा ठीक नहीं है। ये ले माँ जी, मेरी खातर प्लीज। आबिदा बहन, बस इस महीने की 15 तारीख मंगनी के लिए ठीक है ना? हाँ, मंगनी की तारीख तो 15 रख लेते हैं, लेकिन सलमा के भाई ने कहा है कि शादी की तारीख इम्तहानों के बाद रखेंगे। हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। आए माँ जी, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। खुदा हाफिज। जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? DSP जानता हूँ। तुम्हारे हर नाजायज धंधे का निगरान बिल्ला उर्फ शीशनाक मेरी हिरासत में है। तुम इसे आजाद कराने आए हो। सिकंदर जिसे आजाद कराना चाहे वो आजाद हो जाता है। DSP मेरी निगरानी में आजाद तो क्या तुम इससे मिल भी नहीं सकते। मैं मुलजिम से नहीं, इस सरकारी मुलाजिम से मिलने आया हूं और इसे यह बताना चाहता हूं कि हर पुलिस ऑफिसर की पेटी के नीचे एक पेट भी होता है जिसे सरकार की दी हुई तनख्वाह नहीं भर सकती, सिकंदर की दी हुई रिश्वत भर देती है। बोलो, मेरे आदमी को आजाद करने का क्या मांगते हो? चले जाओ यहां से, वरना रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें भी सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। जोश में नहीं, होश में रहकर बात कर। DSP जानते हो मैं किसका भाई हूं? जानता हूं, जानता हूं। तुम आजम के भाई हो जो अमेरिका में अपने जुर्मों की लंबी फहरिस्त लिए बैठा है। जिस दिन वो पाकिस्तान आएगा मैं मौत बनकर उसका इस्तकबाल करूंगा। दावा दावा ना कर DSP, मेरे भाई आजम का एक फोन तेरे ही खून से तेरी वर्दी को लाल कर सकता है। इस तरह जिस तरह मैं अपना आदमी आजाद करने लगा हूं। ये बास्टर्ड, गिरफ्तार कर लो इसे। जी सर, जी जी सर, लेकिन सर, जी सर, यस सर, यस सर।
सुल्तान, तुम बैठो ना। थैंक यू। तुम्हें यहां देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। निशे, ख्वाब तो गरीब आदमी देखते हैं, अमीर को तो रात को नींद ही नहीं आती, वो ख्वाब क्या देखेगा। तुम यकीन करो, मैं हर उस ख्वाब में तुम्हें देखती हूं, और आज हकीकत में तुम्हें अपने पास देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाब ही देख रही हूं। अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? मेरी बहन की मंगनी है और ये उसका कार है, अब आप आएंगी ना? मेरी सहेली हो, तुम्हारी बहन हो और उसकी मंगनी हो, मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? थैंक यू। मुझे इजाजत दीजिए। सुल्तान कुछ देर और बैठ जाओ, फिर किस दिन सही? वो दिन कब आएगा सुल्तान? तुम सवारी बनकर बैठी हूं, कोई एतराज? कोई एतराज नहीं, रक्षा में तो कोई भी सवारी बैठ सकती है, जाना कहां है? कहीं भी ले चलो। रक्षे में बैठने वाली हर सवारी की कोई ना कोई मंजिल होती है, तुम्हारी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल तो तुम हो।
जुदा हमें करने न पाए। मौसम में प्यार कैसे होता है। आजा मेरी बाहों में, आजा मेरी बाहों में, प्यार कैसे होता है। भीगे भीगे मौसम में प्यार कैसे होता है। टैक्सियों के बेताज बादशाह है। पहले आप टैक्सी चलाते थे, लेकिन सुना है आजकल आप रक्षा चला रहे हैं। कितनी दफा तुम्हें कहा कि मेरे कारोबार में दखल अंदाजी मत किया करो। दो किस्तें मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, तीसरी निकालो फौरन अभी इसी वक्त। सर, मैं तीसरी किस्त माफ कराने आ ही रहा था कि रास्ते में हादसे का शिकार। शिकार से मुझे याद आया कि मुझे शिकार खेलने का बड़ा शौक है। एक दफा का जिक्र है कि मैं जंगल में जा सर, अगर आप जंगल में जा रहे हो और सामने से एकदम शेर आ जाए तो मैं इसे गोली मार दूंगा। अगर उसने पहला फायर मिस कर दिया फिर तो मैं उसे दूसरी गोली मार दूंगा। अगर आप उसे दूसरी गोली मारें और वो मिस कर जाए और आपका असला खत्म हो जाए तो फिर? हाँ, मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा। अगर वो दरख्त पे चढ़ गया फिर तो मैं नीचे उतर आऊंगा। अगर वो नीचे आ गया फिर? हाँ, फिर सीधी सी बात है कि मैं राइट इंडिकेटर दे के लेफ्ट मुड़ जाऊंगा। लेकिन सर, अगर वो सामने खड़ा हुआ फिर? ओए, तू मेरा दोस्त है कि शेर दा? और ये हिमायत करी जा रहे हैं, तीसरी किस्त निकालो वरना दो की दो अभी वसूल करूंगा। जी हाँ, जी 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 लिखवाए। हाँ जी, दो टैक्सियां? हाँ जी, पहुंच जाएंगी। मां के बगैर? क्या क्या बकवास कर रहे हो उल्लू का पट्टा? ओए सीधे, ओए दफ्तर को ताला लगा दो, ये कारोबार बंद। सारी टैक्सियां लेके हम दुबई खुद जाएंगे। सुल्तान? शाहताज? अरे शाहताज, तुम कब आई हो? मुझे आए हुए 17 साल 2 महीने 3 घंटे और 17 मिनट और 36 सेकंड हो चुके हैं। मैं दुनिया में आने का नहीं पूछ रहा, मेरे पास कब आई हो? तुम्हारे पास तो हर रोज, हर पल, हर घड़ी रहती हूँ। तुम महसूस ही नहीं करते। वो यार सुल्तान, वो तुमको बहुत बहुत मुबारक हो यार। अरे खान साहब, क्या हुआ? वो हम अभी लिस्ट देख के आया, तुम पूरा कॉलेज में अव्वल आया। यस सुल्तान, तुम्हें तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू शाहताज, थैंक यू। इतना अर्सा तुम मुझसे मिले नहीं सुल्तान, कहाँ थे तुम? यही सवाल मैं तुमसे करता हूँ कि तुम इतना अर्सा कहाँ थी? इसका जवाब तो मैं तुम्हें अपने घर जाकर दूंगी। आओ मेरे साथ। चल। आओ आओ ना। आओ ना। सुल्तान, ये मेरा घर है। ये तुम्हारा घर है? लेकिन लेकिन ये सब कुछ? शुक्र है, तुम्हारे सवाल में हैरत है, नफरत नहीं। ये सब कुछ बिखरी हुई वो बुनियादें हैं जिन पर इस घर की चमकदार इमारत खड़ी है। लेकिन तुम? एक तवायफ हूं मैं तुमसे, इसलिए ना मिल सकी क्योंकि मेरी मां ने, मेरी
मेरे हाथों से कॉलेज की किताबें छीनकर मेरे पैरों में घुंघरू पहना दी है। शाहताज, आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी। ये घुंघरू पांव में पहनकर इस कोठे की जीनत बनोगी। अगर घुंघरू ही मेरे पैरों का मुकद्दर थे मां, तो फिर मेरी आंखों को तालीम की रोशनी क्यों दिलाई? इसलिए जब तुम्हारे कॉलेज के दोस्त जो रईस सादे भी हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक तवायफ की बेटी हो, तो वही दोस्त तुम्हारे गाहक बनकर तुम्हारा मुजरा सुनने के लिए इस कोठे पर जरूर आएंगे। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा मां, ये सोचकर मेरे पैरों में से घुंघरू उठा लो कि मेरे मुंह में जुबान एक बेटी की है जो किसी वक्त भी बगावत कर सकती है। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें कॉलेज में तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम मुझे ही पढ़ाना शुरू कर दो। तुम इस कोठे की पैदाइश हो, तुम मां की लोरियां सुनकर नहीं घुंघरू की झनकार सुनकर जवान हुई हो। शराफत की जिंदगी के ख्वाब देखना छोड़ दो। गंदे पानी की मछली साफ पानी में कभी जिंदा नहीं रह सकती। ये तुम्हारी भूल है मां, कमल का फूल हमेशा गंदे पानी में ही खिलता है। लेकिन तुम कमल का नहीं गुलाब का फूल हो, जिसके चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, रोगी तो नाचोगी, तड़पोगी तो नाचोगी, एहतजाज करोगी तो नाचोगी, बहावत करोगी तो नाचोगी। नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। इन कोटों पर बेटियों को नाचने के लिए प्यार से भी समझाया जाता है और मार से भी। अब तुम्हें फैसला करना है कि प्यार से घुंघरू पहनोगी या तशद्दुद से। आज पता चला है कि इस घर में मां के कदमों के नीचे जन्नत तो नहीं होती, लेकिन बेटी के पैरों में घुंघरू जरूर होते हैं, घुंघरू जरूर होते हैं। मैंने चाहा जरूर था कि अपनी माजी की तारीख को अपनी डिग्रियों के ढेर के पीछे छुपा दूंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। मेरी मां ने ढेरों घुंघरू मेरे कदमों में फैला दिए और मैंने अपने पांव पीछे हटाकर अपना सर उठा लिया। मैं चीखी, मेरी हर चीख में बगावत थी, लेकिन मेरी बगावत इस घर की चार दीवारी से टकराकर खत्म हो गई। मैं नाचती रही, घुंघरू रोते रहे, मैं तड़पती रही, मां हंसती रही। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। शाहताज, शाहताज, यहां लोग झूठ सुनने के लिए आते हैं, सच नहीं। तुम सच बोलती रहोगी, लेकिन इस कोठे पर लोग सिर्फ तुम्हारा झूठ सुनने के लिए आएंगे। बीबी जी, मैंने आपके कपड़े तो पहन लिए, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि जाना कहाँ है। आज मेरी बहुत ही प्यारी सहेली सलमा की मंगनी है और इस खुशी के मौके पर तू और मैं खूब नाचेंगे। ना बीबी जी ना, मुझे नाचना नहीं आता। Thank you.
तुमने ठीक सोचा है, ये हीरोइन रिक्शे की सीट के नीचे रख के ले जाओ। रिक्शे में नाजायज माल का ना तो किसी को शक होगा और ना ही किसी नाके का डर होगा। माल रिक्शे में रखो और मंजिल तक पहुंचा दो। बहुत बेहतर सर। अरे आ भी जाओ गैंडे भैया, अरे आ भी जाओ गैंडे भैया, आ जाओ, अब तो पान भी एक रह गया है। चलो भाई सोसाइटी चलो। हाँ जाने में तो कोई इतराज नहीं, पर इतने सामान का किराया डबल होगा। हाँ जो कहोगे दे देंगे। मुझे कहां ले आए हो तुम? जहां तुम्हें लाना चाहिए था। अबे संडे भागता कहां है? चल चल आगे चल साला। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। क्या बात है सुल्तान, कौन है ये? अब आप माफी चाहता हूं साहब, आपका थाना गंदा कर दिया साहब। ये वो लोग हैं जो मेरे मजहब, मेरी कौम और मेरे मुल्क के लिए गाली हैं। अब वो क्या है साहब, मुझे लगता है कि ये सुल्तान की गाड़ी में कोई नाजायज चीज रख के ले जा रहे हैं। अब आपको तो पता है साहब, नाजायज चीज, वो भी सुल्तान की गाड़ी में। अब सर चेक करवा लीजिए। ठीक है ठीक है, हवलदार रक्षे में जो कुछ है निकाल के ले आओ। अरे जाइए जाइए। हाँ
साहब यही डब्बा है, यही डब्बा। क्या है साहब? अरे ये तो हीरोइन है। साहब मुझे पता था दाल में जरूर कुछ काला है। गिरफ्तार कर लो इसे। अबे किसी डांसर माँ के बच्चे। देखिए साहब, सुल्तान ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ। सलाम साहब। चल बे, तू तो लंबा गया सारा। काश कौम के हर नौजवान के चेहरे पर तुम्हारी आंखें लग जाएं। इसे हवालात में बंद कर दो। मुझे हवालात में बंद करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लें, ये माल आजम के भाई सिकंदर का है। Oh, you shut up! कंजरी बनया मेरी जात न घट दे, मैनू नच के यार मनावन दे।
उसके ड्राइवर ने मेरी करोड़ों की हीरोइन पुलिस को पकड़वा दी और तुम लोगों ने इतनी देर से इतना दी। ये चाहता है तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूं, लेकिन कुत्ते की तरह वफादार हो। चाहो माफ किया, उस शरीफ जादे ने मौत के साथ पंगा लिया है, उसे ऐसी इब्रतनाक सजा दूंगा कि कफन के लिए कपड़ा और दफन के लिए जमीन दोनों नसीब नहीं होंगी। सिकंदर, वो सुल्तान की बहन जा रही है। खूबसूरत लड़की भी क्या चीज होती है, सीधी हो तो तीर, झुक जाए तो कमान, बिफर जाए तो तूफान बन जाती है। लेकिन आज हम तीर कमान भी तोड़ेंगे और तूफान भी आएगा। कुत्ते कमीने, छोड़ दे मेरा हाथ। जब औरत की जबान चलती है तो मर्द के हाथ चलते हैं। ठोकर खाकर नहीं आई, बल्कि एक बगारत के हाथ का थप्पड़ खाकर आई हूं। बदमाश सिकंदर ने मेरा रास्ता रोक लिया था, वो मेरी इज्जत और भाई की गैरत के खून में हाथ रखना चाहता था। मैं अपने हाथ छुड़ा के और अपनी इज्जत बचा के भाग आई हूं। मां, भाग आई मेरी बेटी, मेरी बच्ची। तूने मेरे दूध की लाज रख ली है बेटी, तुझे घर की आबरू की कसम, अपने भाई को ये कभी मत बताना कि सिकंदर ने तेरे सर से दुपट्टा उतारा है, तेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, वरना इस घर में कयामत आ जाएगी बेटी, कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। गोलियों से नहीं, बेगैरत की मौत मानना है।
बहन के सर से दुपट्टा उतारा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि उसने किस हाथ से उसके सर से दुपट्टा उतारा और किस हाथ से थप्पड़ मारे। इसलिए मां, मैंने उसके दोनों हाथ काट दिए, उसके दोनों हाथ काट दिए मां। ये तूने क्या कर दिया बेटा, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया बेटा, ये क्या किया भाई? जो हर गैरतमंद भाई को करना चाहिए था, आज के बाद कोई बेगैरत किसी की गैरत की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा मां, हाथ नहीं बढ़ाएगा। नहीं बेटा नहीं, एक सांप का सर कुचल देने से सांप की नस्ल खत्म नहीं हो जाती। जालिम के सीने में गैरत का खंजर उतारने से पहले तूने ये क्यों नहीं सोचा? एक बदकार की मौत से कानून तेरे पांव की जंजीर और खून के आंसू तेरी मां की तकदीर बन जाएंगे। तेरे जेल जाने के बाद तेरी जवान बहन की आबरू का पहरा कौन देगा, पहरा कौन देगा बेटा? इस खौफ को अपने दिल से निकाल दो मां, निकाल दो इस खौफ को अपने दिल से, इसलिए कि मेरी बहन एक गैरतमंद मां की बेटी है और मुझे यकीन है कि हर गैरतमंद मां अपनी बेटी को उंगली पकड़ कर चलना सिखाने से पहले उसे गैरत की मौत मरना सिखाती है। गैरत की मौत। गिरफ्तार कर लो भैया। बाप जेल की सलाखों के पीछे, एक भाई की लाश आंखों के सामने है और दूसरा भाई मौत सीने से लगाए फिर रहा है। मैं भी कितनी बदनसीब हूं। बीबी जी, कफन दफन का इंतजाम किया जाए? नहीं, आजम साहब ने फोन किया है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं मेरे भाई की लाश को दफन ना किया जाए। कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे तुम्हारी बहन इस दुनिया में अकेली रह जाए। भाई, ये सोचकर इस लाश को दफन कर दो कि इसने भी जुर्म किया था जिसकी सजा इसे मिल गई और इसके कातिल को कानून सजा देगा। बकवास बंद कर। मेरे भाई की लाश तो मिट्टी में दफन होगी, लेकिन पहले दुश्मनों की लाशें आग के शोलों में दफन होंगी। अलाजान, तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन सुल्तान भाई के मुकदमे के लिए मैं शहर के सबसे बड़े वकील से बात करके आया हूं। वकील ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो गैरत की बुनियाद पर आपके बेटे को छुड़ा लाएगा। तुम मुझे हौसला दे सकते हो, मैं बेटी को दिलासा दे सकती, मगर मैं कानून को नहीं खरीद सकती। जो बेकसूर को मुजरिम और बेगुनाह को गुनाहगार बना देता है। मेरी आवाज आपका दुख बनकर कानून के कानों तक जरूर पहुंचेगी। मैं सुल्तान भाई को जरूर वापस लाऊंगा। Thank you.
कौन हो तुम? इस बुढ़िया के बेटे ने मेरे भाई की जान लेकर मेरे खून में जो आग लगा दी है वो इस घर की हर चीज को राख कर देगी। बुढ़िया, मैंने तो सुना था तेरा एक ही बेटा और एक ही बेटी है, ये बेचारा कौन है जिसे तू मेरे हाथों बेमौत मरवाना चाहती हो? जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। ये सोच कर वापस चले जाओ, इस मां के एक बेटे ने तेरे भाई की जान ली, अरे दूसरा बेटा तेरे खून में ना डूब जाए। जो जो, इसका खून तो बहुत गर्म है, इसे तो मैं खुद ठंडा करूंगा। फिलहाल तुम इस मां बेटी को उठा लो। हाँ, लड़की को, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी जंग शुरू हो जाए तो फिर आंसू नहीं बहाए जाते, खून नुचाना जाता है। बुढ़िया, मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को, जालिमों छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। माँ मुझे बचा लो, बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाले को छोड़ दो, मेरी बेटी को भी छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बोलने वालों, अपने अपने घर की बत्तियां बुझा लो, आज सुल्तान के घर को नजर आतिश मैं करूंगा, और इसके घर से उठने वाले शोले पूरे मोहल्ले को रोशन कर देंगे। Ah!
मौत की खबर तो मैं सुन चुका, अब सिर्फ इतना बता दे मां कि जालिमों ने तेरे साथ क्या सलूक किया है। इसे देख, ये दुपट्टा तेरी मजलूम बहन का है, इस पे खून तेरी मां का है। जालिमों ने मेरे दूध का रंग बदलकर इसे लाल कर दिया है बेटा। आंसू पहुंच ले मां, आंसू पहुंच ले, इसलिए कि जुल्म खौफ को जन्म देता है, खौफ नफरत को जन्म देती है, नफरत इंतकाम को जन्म देती और इंतकाम बगावत को जन्म देता है। आज से मेरी बगावत है धरती के हर उस फरौन से जो धरती के खुदा बनकर खुदा के बनाए हुए बंदों का जीना हराम कर देते हैं। ऐसे फरौन को गर्क करने के लिए किसी अपील, किसी वकील की जरूरत नहीं, सिर्फ दरियाए नील की जरूरत है, सिर्फ दरियाए नील की जरूरत है, और इस दरियाए नील का नाम है बगावत, बगावत, बगावत।
बहनों की पुकार सुनकर तो गैरतमंद भाई कब्रों से उठकर आ जाते हैं। मैं तो भी जिंदा हूं, जिंदा ही देखना चाहता था मैं तुझे अपनी आंखों के सामने। मेरा जुल्म सुनकर अगर तुम जेल में ही दम तोड़ देते तो तुझे अपने हाथों से मारने की हसरत मेरे दिल में ही रह जाती। फायर! मेरी मासूम बहन को जिंदा तुमने जलाया है, अब तुम्हारी लाश पर पांव रखकर तुम्हारी बहन को राख का ढेर मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। घर में मौजूद है, अगर तुम कानून को बता दोगी कि कातिल कहां छुपा हुआ है तो इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर कानून ने मुजरिम को खुद ढूंढ लिया तो उसके साथ तुम खुद भी मुजरिम बन जाओगी। जिस बेटी के सामने उसकी मां की लाश पड़ी हो वो भला किसी कातिल को कैसे पनाह दे सकती है? अगर आप चाहें तो घर की तलाशी ले सकते हैं। सर, इस घर की छत तक की तलाशी ले ली है, कातिल कहीं भी नजर नहीं आया। यह भी जिंदा है, इसे फौरन अस्पताल ले चलो और बाकी लाशें उठाकर इनको भी साथ ले चलो। जल्दी करो, हरिया। इंतकाम की आग कहो, आज मैं तुम्हें उस इंतकाम की आग में जलाकर राख कर दूंगा। ऑपरेशन कामयाब हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं मरीज से बयान ले सकता हूं? नहीं, मरीज अभी इस काबिल नहीं कि बयान दे सके। शुक्र करें उसकी जान बच गई।
आजम, तेरी जान तो बच गई लेकिन सुल्तान के इंतकाम से तुम्हारी बहन को कौन बचाएगा? रास्तों से तुम्हें लेकर आया हूं, उन रास्तों के निशान मिटाती हुई वापस चली जाओ। बहन के इंतकाम में मैं ये भी भूल गया था कि औरत पर हाथ नहीं उठाते। पीछे जाने वाले सारे रास्ते मैंने खत्म कर दिए हैं। मेरी मंजिल अब सिर्फ तुम्हारे कदमों में। मेरे कदमों में ठोकरों के सिवा कुछ भी नहीं। जाओ, लौट जाओ अपनी दुनिया में, जाओ। सारी दुनिया भुलाकर अब मैंने नई दुनिया बसाने का फैसला किया है। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी। मेरी जिंदगी फांसी के तख्ते पर खत्म हो जाएगी। जाओ, चले जाओ यहां से। Thank you.
अरे तेरी शादी को तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तू रो रही है, क्या बताऊं रानी। खैर जिन सुनियारे से जो जेवर बनवाया था वो सारे का सारा खोटा निकला है और ससुराल वालों ने ये कहकर मुझे वापस भेज दिया है कि जब तक असली जेवर नहीं लाऊंगी माँ बाप के घर में बैठी रहूंगी। अच्छा तो ये सब किया धरा उस मर्दूत खैरदीन सुनार का है। हाँ रानी, मेरा बाप शिकायत लेकर थाने भी किया था मगर गरीबों की सुनता ही कौन है। तू फिक्र न कर नजमा, तू ससुराल जरूर जाएगी। अब वो सुनार खैरदीन की खैर नहीं, 100 सुनार की 1 लोहार की। सोने की गाहकी आजकल सिर्फ कंजरों की वजह से कायम है। मेरे अक्सर गाहक उस बाजार से ताल्लुक रखते हैं जहां मुगलों से लेकर आज तक के शुरफा का आना जाना रहता है। किस बाजार की बात कर रहे हैं आप? उस बाजार की जहां चोर को लीडर और स्मगलर को सेठ कहा जाता है। उस बाजार के ग्राहक जब मेरी दुकान पर आते हैं और मजे ले लेकर ये कहते हैं कि आज हमने सब्जियों की सरदार सब्जी करेले गोश्त खाए हैं, बेगम सुना है ये बड़ी ताकतवर सब्जी है, तुम्हें कसम है अपनी भरपूर जवानी की जिसका मैं कोई फायदा ना उठा सका, आज करेले गोश्त ही पकाना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा बेगम। छोड़िए, आप रोज ही कहते हैं जल्दी आऊंगा, जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी सो भी जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज करेले गोश्त पकाना, दोनों करेले गोश्त खाकर। बीबी जी, दुकान पर छापा पड़ गया है, इनकम टैक्स वालों ने सारे खाते अपने कब्जे में कर लिए हैं, रिश्वत के लिए 2 लाख की जरूरत पड़ी है और आपके मियां ने कहा है कि जल्दी से घर जाओ और 2 लाख ले आओ। तू आ अंदर, उसे जाने दे जेल के अंदर। अब दुकान के साथ साथ तुझे मेरा भी ख्याल रखना है, समझ गया है ना? जी समझ गया हूँ, आप 2 लाख जल्दी से दे दीजिए। ये ले और सुन, मैं घर में अकेली होती हूँ, कभी कभी चक्कर लगा लिया करो। जी जी, कभी कभी चक्कर लगा लिया करो। घन चक्कर खागे ना चक्कर। ये लो नजमा 2 लाख रुपए। रानी ये इतने ज्यादा पैसे तुम कहां से लाई हो? जिसने तुझे लूटा था उसी लुटेरे से लूट कर लाई हूं। अब तू बड़ी आन बान और शान के साथ अपने ससुराल जाना और ये रकम अपनी सास के मुंह पर मारना, वो तुझे सलूट मारेगी। बेगम ये क्या है, मैंने तुम्हें करेले गोश्त पकाने को कहा था, तुमने मुर्गा पका दिया है, मेरी सारी जल्दी पर पानी डाल दिया है। आपने मुलाजम के हाथ मुर्गा ही तो भेजा था। मुलाजम को तो मैंने निकाल दिया है, ये मुर्गा लेके कौन आया था? मेरा तो कोई कसाई भी वाकिफ नहीं। खैर चलो, मुफ्त में क्या मारा है। और हाँ, वही मुलाजम दोबारा आया था। तुमने हसबे आदत उसे अंदर तो नहीं बुला लिया था? आप तो हर वक्त मुझ पर शक ही करते रहते हैं। हाँ तो क्या कहता था? कहता था दुकान पर छापा पड़ गया है, साहब ने 2 लाख रुपए मंगवाए हैं, मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख? ये मुर्गा 2 लाख का है? मैंने 2 महीनों में जितना घोट सोने में डाला था तुमने 1 दिन में निकाल दिया है। हाय मेरा 2 लाख। कोई बात नहीं, 2 लाख में वो लड़का बहुत अच्छा है। We'll be right back.
बधाई मुबारक हो बॉस। को शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं अजाब बनकर दुश्मन की शरक तक नहीं पहुंचाता। शाताश तुम। शुक्र है तुमने आज मुझे हैरत से देखा है, नफरत से नहीं। नफरत दुश्मनों से की जाती है, बदनसीब इंसानों से नहीं। जिस दिन तुमने मुझे अपनी असल हकीकत बताई थी उसी दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं हमदर्दी पैदा हो गई। उसी हमदर्दी की उंगली पकड़कर तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। क्या चाहती हो? सहारा चाहती हूं, पनाह चाहती हूं। लेकिन मैं तो खुद एक बागी हूं, पनाह की तलाश में हूं। तुम एक बागी हो तो मैं एक तबाइफ। आज मैंने बगावत की है तकदीर से, बदकिस्मती की लकीर से, जालिम समाज से, बेहयाई के रिवाज से। मैं हमेशा हमेशा के लिए कोठा छोड़ आई हूं, घुघरू तोड़ आई हूं। अब मैंने फैसला किया है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगी।
काम का कुछ पता नहीं चला अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ को मायूसी की खबर सुनाने से पहले ये क्यों भूल गए हो कि अब्दुल्ला सेठ ना सुनने का आदि नहीं। अब्दुल्ला की डिक्शनरी में ना का कोई लफ्ज नहीं, इसका अंजाम देख चुके हो। जाओ, जहरीली हवा बनकर जमीन से आसमान तक फैल जाओ। मुझे सिर्फ सुल्तान चाहिए, सुल्तान। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और अब मैं एक नहीं दो जन्नतों की मालिक बन गई हूँ। जीती रहो बेटी। माँ तू फिक्र ना कर, मैं तेरे बेटे सुल्तान को ढूंढकर तेरे पास ले आऊंगी। माँ मेरी माँ को पेट भर कर खाना खिलाना। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ आपदा बहन, तुम कल से भूखी हो, कुछ खा लो। इसलिए पेट की आग आंसू बहाने से नहीं कुछ खाने से ही बुझती है। तुम ठीक कहती हो बहन रजिया, मगर मैं क्या करूं, जवान बेटी के मरने का गम जीने नहीं देता। बेटे से मिलने की आस मरने नहीं देती। औलाद का दुख भी अजीब दुख होता है, दिल में आए तो आग, आंखों में आए तो पानी बन जाता है। सुल्तान की मां का पता चल गया है अब्दुल्ला सेठ। तो फिर जाओ और उसकी मां को उठा लाओ। मां बताएगी कि उसका बेटा कहां है। जाओ। भाग इस बुढ़िया को। रुक जाओ, ये मेरे घर में सुल्तान की अमानत है। अगर इस मां की तरफ किसी ने भी कदम बढ़ाया मैं उसे कुत्ते की मौत मार दूंगी। बकवास बंद करो। मां अब्दुल्ला सेठ, ये है सुल्तान की मां। बुढ़िया, मेरा एक बेटा कब्र में और दूसरा अस्पताल में मौत के बिस्तर पर लेटा है, लेकिन तेरा बेटा कहां है? बुढ़िया, मैं तुझे तेरी पूरी जिंदगी के कुछ सांस खैरात में दे दूंगा। बोल, सुल्तान कहां है? सुल्तान जैसा गैरतमंद बेटा पैदा करने वाली मां जिंदगी की भीख कभी नहीं मांगती। सेठ, बकवास बंद कर बुढ़िया। सुबान खोल बुढ़िया, होगा कहीं पहाड़ों पर। ये तो मैं भी जानता हूँ। मैं भी बस इतना ही जानती हूँ। तू सब कुछ जानती है। तू जानती है कि इस वक्त तेरा बेटा कहाँ है? अगर मुझे सुल्तान के ठिकाने का पता होता तो मैं तुझे कभी ना बताती, लेकिन तेरा पता उसे जरूर बताती। वो माँ के थप्पड़ों की कीमत वसूल करने तेरी शहरत तक पहुंच जाता। ले जाओ इस बुढ़िया को। मैं इस बुढ़िया को ऐसी खौफनाक मौत मारूंगा कि इसके बेटे में जरा भी गलत हुई तो इसे बचाने जरूर आ।
जाएगा। बुढ़िया, तुम्हारा पुत्र बेटा अभी तक नहीं आया। अपनी मौत के डर से मां का दूध हराम उससे किया है और उसका जीना हराम मैं कर दूंगा। बूढ़े शैतान, तू क्या जाने गैरतमंद मां के दूध और दुआ की तासीर क्या होती है। जानता हूं, मैंने भी बहादुर मां का दूध पिया है। मां मां में भी फर्क होता है बूढ़े। कोई मां फिरौन को जन्म देती है और कोई मूसा को। तो फिर आवाज दो अपने मूसा को कि वो आए और इन कुत्तों से तुम्हारी जान बचाए। छोड़ दो इन कुत्तों को इस बुढ़िया पर। कुत्ते आदमी की मौत मरे हैं, लेकिन आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं तेरे कातिल को उसी के खून में डुबो दूंगा। अगर मैंने उसकी लाश तेरे कदमों में लाकर न रखी तो मुझे अपना खून माफ न करना। निशी बेटी, मुझे तुझसे प्यार भी है और मोहब्बत भी। तू मेरी बेटी की जान से प्यारी सहेली भी है। मैं नहीं चाहती तेरे बाप और भाइयों के जुर्म की सजा तुझे मिले। जा बेटी, अपने घर लौट जा। घर तो वो होता है माँ जी, जहां बेटी के लिए बाप की शफकत और मां के कदमों की जन्नत और भाइयों की मोहब्बत हो। लेकिन मेरे घर में इस नाम की ना कोई शह थी और ना है। मेरा जीना मरना तो अब सुल्तान के साथ है, लेकिन मेरा जीना मरना सिर्फ अपनी मां के साथ है। चली जाओ यहां से। नहीं सुल्तान बेटी, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। अगर इसकी यही ख्वाहिश है तो मैं इसे सारी जिंदगी बहू बनाकर इसे अपने साथ रखूंगी। ये आपने क्या फैसला किया मां जी? फैसला तो अब काजी साहब करेंगे। तुम्हारा पास पहुंच गया। अब बोल, हम तुम्हारा वास्ते क्या कर सकता है? माल चाहिए, जान चाहिए या फिर हमारा दिल चाहिए? नहीं दोस्त, मुझे ना तो तुम्हारी जान चाहिए और ना ही तुम्हारा दिल। मुझे सिर्फ पनाह चाहिए। मैं अपनी मां और बीवी को लेकर तुम्हारे साथ इलाका गैर में कुछ दिन मफूरी का वक्त गुजारना चाहता हूं। ओ यार सुल्तान, हमारा गांव, हमारा घर, हमारी जमीनें, सब कुछ तुम्हारा है यार। चलो हमारा साथ चलो। नहीं बेटा, अभी मेरी बेटी निशा सफर नहीं कर सकती। कोई बात नहीं है माँ जी, हम तुम्हारा साथ हैं। जब तुम हुक्म करेगा हम तुमको साथ ले जाएगा। अच्छा। बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया मैंने अपने दुश्मन का। तूने उसका पता बताकर मेरे मुर्दा इंतकाम को जिंदा कर दिया है। बॉस,
सुल्तान अपनी मां और निशा बीबी को लेकर इलाका गैर जा रहा है। कल वो अपनी मां को लेकर इलाका गैर की तरफ भागेगा, लेकिन अपनी मौत से ज्यादा तेज नहीं भाग सकेगा। तुमने भी तो जिंदा जलाया था उसकी बेगुनाह बहन को। कानून की नजरों में तुम दोनों मुजरिम हो। आज कानून की जंजीरें तुम दोनों के हाथों में होंगी या दोनों की लाशें मेरे पांव के नीचे होंगी। तुम वर्दी का कफन पहनकर मौत की तलाश में यहां तक आ ही गए हो तो तुम्हें मौत का चेहरा मैं दिखाता हूं। निशा की हालत बहुत खराब हो गई है। फिक्र का कोई बात नहीं है माँ जी, हम अभी दाई माँ को लेके आते हैं। Thank you.
सुल्तान, कानून का नहीं, एक भाई को गिरफ्तारी दे दे। मैं नहीं चाहता कि एक मां की गोद उजड़ जाए। यह तो वक्त ही बताएगा डीएसपी कि मेरी मां की गोद उजड़ती है या तुम्हारी मां या तुम्हारी लाशों पर मातम करती है। कानून को अपनी गिरफ्तारी दे दो सुल्तान, ये तुम्हारी मां का हुक्म है। चलो इसे। रुक जाओ डीएसपी। अपने कानून से कह देना कि पुराना कानून बदलकर कोई नया कानून लाए, ऐसा इंसाफ लाए जिससे जुल्म के बादल छट जाए, बुराई की जड़ें कट जाए और माओं के बेटे बगावत की राह से हट जाए। वरना जुल्म होता रहेगा, इंसाफ रोता रहेगा और बहने जुल्म की आग में जलकर मरती रहेंगी। अगर तुम्हारा कानून ना बदला तो एक दिन ये बच्चा भी बगावत कर जाएगा।